आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सिर में नारियल लगने से ब्रेन में सूजन की बात बताई थी। उस घटना का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सीहोर जिले के आष्टा का बताया जा रहा है, जहां पंडित मिश्रा 29 मार्च शुक्रवार को महादेव होली उत्सव में शामिल हुए थे। वीडियो में दिख रहा है कि पंडित मिश्रा रथ में सवार हैं। वे लोगों पर रंग गुलाल उड़ाते आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लोग भी उन पर फूल और रंग गुलाल फेंक रहे हैं। इसी दौरान एक नारियल आकर उनके सिर पर लगता है, जिसके बाद पंडित मिश्रा सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। रथ पर सवार उनके शिष्य ने नारियल उठाया और इधर उधर देखकर ये जानने का प्रयास किया कि नारियल किसने फेंका। रथ पर सवार बाकी लोग कथावाचक के पास पहुंचते हैं और उनके सिर को देखते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 1 अप्रैल सोमवार को नीमच के मनासा में कथा के मंच से खुद इस घटना का जिक्र किया था और स्वास्थ्य का हवाला देकर कथा को निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा था 29 मार्च को आष्टा में महादेव होली खेली गई थी। इस दौरान गुलाल की जगह कोई नारियल फेंक गया, जिसके कारण ब्रेन में थोड़ी दिक्कत आ गई। अंदर की तरफ चोट लगने के कारण ब्रेन में सूजन हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना, जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते हम कथा नहीं कर सकते। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।